हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्यालय में उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक राज्य सरकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। विधानसभा अध्यक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बैठकों की अध्यक्षता करना। वह संसद में या जो सदन है उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना, दल बदल संबंधी कानून वगैरह संपूर्ण निर्णय मत ये विधानसभा अध्यक्ष की शक्ति या अधिकार। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद के अधिकार या शक्तियां। तो देखिए, विधान परिषद की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वह है विधायक शक्ति। यहाँ अपने कह सकते हैं कानून निर्माण संबंधित शक्ति। तो देखिए, जिस प्रकार केंद्र में संरक्षित संवर्धित सूची अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को, उसी प्रकार विधायी शक्ति में हम बात करते हैं राज्य सूची। विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। तो देखिए, धन विधि के अलावा अन्य जो विधि राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। तो देखिए, धन विधि के अलावा जो साधारण विधि है वो विधानसभा या विधान परिषद में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये प्रोसेस है कि विधानसभा से पारित होने के बाद ज्ञान परिषद से पारित होने के बाद वो राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। जैसे ही राज्यपाल हस्ताक्षर करते ही वह कानून का रूप धारण कर लेता है। लेकिन हम बात करते हैं अनुच्छेद 197 जिसमें प्रावधान है कि कोई भी साधारण विधेयक विधानसभा में दूर किए से प्रस्ताव पास होकर के विधान परिषद में भेजा जाता है। अब विधान परिषद उस विधेयक में संशोधन कर सकती है, संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है या विधानसभा द्वारा बनाए गया कानून उसको अस्वीकार कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 197 में स्पष्ट उल्लेख है कि विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अधिकतम 3 माह
तक ही अपने पास रख सकती, वो संशोधन के लिए सुझाव दे सकती, लेकिन सुझाव माने न माने वो विधानसभा पर निर्भर करती है। जब तीन मानकर यदि विधेयक या प्रस्ताव को विधान परिषद नहीं लौटाती है तो पुनः प्रस्तावित विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा उस प्रस्ताव को संशोधन किए बिना उन्हें विधान परिषद में भेजा जाता है। जब दोबारा वही विधेयक विधान परिषद में भेजा जाता है तो विधान परिषद को एक माह का समय मिलता है, यानी वो प्रस्ताव को एक माह तक रोक सकती है, यहाँ उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, सुझाव माने या न माने विधानसभा पर निर्भर करता है। अब एक माह तक नहीं बताने के बाद में वो विधेयक विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पारित माना जाएगा और राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम चार माह तक ही रोक सकती है, इससे ज्यादा शक्ति साधारण विधि पर नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है, केवल सुझाव दे सकती है। अगली विधान परिषद की शक्ति है कार्यपालिका संबंधित शक्ति। तो देखिए दोस्तों, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो मंत्री हो सकते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो देखिए विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य होने के नाते विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों को प्रश्न पूछना, इसके अलावा प्रस्तावों को उनके खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि, निंदा प्रस्ताव ला करके सरकार को घेरने का कार्य किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से विधान परिषद है वो सरकार पर नियंत्रित रखती है। इसके अलावा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है। और जब कानून है से संबंधित विधेयक जब विधान परिषद या विधानसभा में प्रस्तावित किया जाता है तो उसको अलग अलग चरणों में गुजरना पड़ता है, उसमें बहस भी होती है, जिसे वाद विवाद कहा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, वोटिंग होती है, उसके बाद में वोटिंग के बाद उसका निर्णय किया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया है वो कानून निर्माण से संबंधित जुड़ी हुई है। तो अपन कह सकते हैं कि वैसे देखा जाए तो विधानसभा के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायित्व या जिम्मेदार है, क्योंकि कार्यपालिका का अस्तित्व विधानसभा के सदस्यों पर निर्भर करता है कि जब तक विधानसभा से कार्यपालिका को विश्वास मत मिलता रहे तब तक कार्यपालिका कार्य करती रहती है। लेकिन विधान परिषद को इतनी शक्ति नहीं दी गई है कि वो कार्यपालिका को भंग कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो कार्यपालिका को समाप्त करने का अधिकार विधान परिषद को नहीं है, विधान परिषद केवल सरकार को घेरने का कार्य, जैसे प्रश्न पूछना,
अगला कार्य है वित्तीय कार्य। तो देखिए वित्तीय कार्य की बात करते हैं तो संविधान के अनुसार आपको बताएं धन विधेयक केवल केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बाकी जो साधारण विधेयक है वो विधानसभा वो विधान परिषद किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि धन विधेयक है वो केवल केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। तो देखिए वित्तीय शक्ति के मामले में बात की जाए तो विधानसभा को अधिक शक्ति दे रखी है, विधान परिषद को इस मामले में गौण रखा गया है। तो देखिए जो धन विधेयक है वह विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर वित्त मंत्री विधानसभा में रखवाता है, उस विधानसभा से धन विधेयक दो तिहाई बहुमत से पास होकर के विधान परिषद में प्रस्तावित किया जाता है। अब जब विधान परिषद के पास धन विधेयक आता है तो उस धन विधेयक में विधानसभा को संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन धन विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। इसके साथ ही विधान परिषद धन विधेयक को केवल अपने पास कितने 14 दिनों तक ही रोक सकती है, इससे ज्यादा विधान परिषद के पास अधिकार नहीं है। यदि 14 दिनों तक धन विधेयक है वो विधान परिषद से पारित नहीं हुआ है तो भी विधानसभा को विधान परिषद से पारित माना जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो विधान परिषद धन विधेयक में जो सुझाव दिए जाते हैं उस सुझाव को मानना या नहीं मानना वो विधानसभा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले ले फिर अपन पढ़ेंगे विधानसभा की शक्तियां व कार्य।